दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। देखिए कि मैं जिंदा हूं और इनका नाम है संतोष मूरत सिंह। अपने जिंदा को लेकर ये बोर्ड काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन एक नया अब इनकी ज़िंदगी में मोड़ आ गया है। इनके नाम से आत्मकथा लिखी जा रही है और ये आए हैं उस पर। देखिए कि यहाँ पर पूरा सिस्टम बन चुका है। इनके आत्मकथा जो बुक आएगी उसका क्या नाम होगा, सारे प्रकरण जान लेते हैं कि क्या कुछ। ये बताइए कि अभी तक जो चीज़ चल रहा था, अब उससे बढ़कर आपके नाम से आत्मकथा लिखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम साहब। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा। और ये आत्मकथा कोई और नहीं लिख रहा है, हम खुद लिख रहे हैं अपनी जीवनी और डेड मैन डायरी के नाम से, जो है कि इसे उठ के नहीं आए कि ताकि हमारा पब्लिश कर सके। अब एक भैया आए हैं, इनसे मेरी सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई, इन्होंने देखा न्यूज़ में तो हमें कॉल किया और इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपकी किताब रिलीज करेंगे डेड मैन डायरी। और रिलीजिंग के टाइम जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी वर्कआउट चल रहा है, और उसको हम चाहेंगे कि नाना पाटेकर साहब के हाथों से जो है कि उसका रिलीजिंग करवाया जाए। ठीक है, इसमें आपके कितनी भूमिका है, किस पब्लिकेशन से इसका? मेरा नाम सत्यम सोनी है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, और मेरा पब्लिकेशन जो है उसका नाम है एक्स ऑफेंसर बुक पब्लिकेशन हाउस, जो कि ग्वालियर में ही इस्टेब्लिश है। मैं इनका पब्लिश, इनकी जो स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है अपनी डायरी, उसको अपने अपने प्रकाशन के रूप से पब्लिश करने वाला हूँ उसको मैं। इसका टाइटल रहेगा डेड मैन डायरी का। आपको इनके बारे में जानकारी कैसे मिली? एक्चुअली क्या, इनके बारे में जानकारी मेरे को पहले काफ़ी टाइम पहले सुना जरूर था इनके बारे में, बट इतना रिसर्च नहीं किया था। बट रिसेंटली महादेव की इतना उनकी इच्छा हुई तो मेरे को उनके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती गई, और रिसेंटली फिर मैं कहा कि जब किसी के बारे में नॉलेज मिल रही है, मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ा उनके स्टोरी में लेके। मैं मन हुआ उनसे बात हुआ कि फिर उन्होंने बताया कि बुक हुआ पब्लिश होने के लिए, तो मैं कहा कि ठीक है, मैं आपकी बुक पब्लिश करने को रेडी हूँ। बहुत सारे यूथ जो है कॉपी किताबों से दूर भागते जा रहे हैं, मोबाइल का दुनिया है, डिजिटल का दुनिया है, तो कितना आम होगा ये पुस्तक? एक्चुअली क्या है, ये पुस्तक ज़रूरी नहीं है कि मतलब ओनली प्रिंट मीडिया में ही अवेलेबल नहीं होगी, आपका ई बुक में भी अवेलेबल होगी। इस वजह से अगर कोई जो लोग सेलफोन का यूज़ कर रहे हैं तो उन लोग वो भी आपने सेलफोन पे यूज़ कर सकते, रीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको हार्ड कॉपी ही लेके बैठना पड़ेगा रीड करने के लिए, वो अपनी ई बुक अमेजोन किंडल से या फिर अमेजोन या फिर गूगल प्ले जो बुक मीडिया है वहाँ से भी आपसे रीड कर सकते हैं इसको। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है जो आपको सोशल मीडिया पे भाई साहब मिले और आप उनसे प्रेरित हो गए? जी हमारे संघर्ष को साहब सब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया आप लोग भी देख रहे हैं इतने सालों से, हमारे संघर्ष को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह देख सकते हैं। भैया भी मिले हैं, भैया से भी निवेदन करेंगे कि भैया जैसे भोलेनाथ की नगरी में खड़ा होकर आज आपने कंधे से कंधा मिला के एक मुर्दे के साथ जो है कि उसकी आत्मकथा रिलीज करने के लिए आप आए हैं, कर रहे हैं, वैसे ही ऐसे ही स्नेह प्रेम आजीवन बने रहना चाहिए। और पिछले लोगों की तरह जैसे सलमान खान साहब हमारे जीवन पे फिल्म बना के शोषण कर लिए, मतलब अब और भी आगे भी मुर्दे का शोषण ना हो, यही मैं निवेदन करूंगा भैया से, समाज से, देश से, कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, क्योंकि ये मेरी खुद की लिखी हुई आत्मकथा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मीडिया में टाइम ड्यूरेशन के में डायरी है, और इसमें हमारी तरह ऐसे लाखों हजारों मुर्दा जिंदा हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र किए हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथ साथ उन्हें भी जिंदा किए होना चाहिए जल्द से जल्द। तो इनके आत्मकथा की जो पुस्तक आएगी डेड मैन डायरी है, और जिस तरीके से ये जो बता रहे हैं वो जिस तरीके से प्रकाशन होगा, ये बताइए प्रकाशन जब होगा तो किसी नेता होता को बुलाएंगे कि बस ऐसे ही कर लेंगे? जी नहीं, ऐसा है कि देखिए हाँ, विमोचन के लिए हम फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब जी से निवेदन किए हैं और आगे भी करेंगे, उन्हीं के हाथों से जो है कि रिलीज करवाएंगे ये किताब। ठीक है जी, तो देखिए पूरा मूड भी बना चुके हैं संतोष मूरत सिंह की जो पुस्तक आएगी नाना पाटेकर के द्वारा किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो आत्मकथा है इस कथा को कितना लोग पढ़ते हैं और कितना समझते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।